नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़ी राहत के ऐलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि आम बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, तो मैं चाहूंगा एज एक युवा और पार्टिसिपेंट, मैं ये चाहूंगा कि जो शिक्षा जगत में जो GST लग रहा है वो कम किया जाए, और जो मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में कहा था कि 2 करोड़ पर ईयर किसी जॉब निकालें, तो उसमें कुछ दिया जाए ताकि युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके, ताकि उनके उनका भविष्य भी। मैं सबसे पहले भारत सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछले 10-15 साल में जिस तरह से पर डे की लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है, उसी हिसाब से उसी रेशियो में जो इनकम टैक्स स्लैब है इंडिविजुअल्स का, उस स्लैब में चेंजेस आने चाहिए, और वो स्लैब जो आज 5 लाख रुपए के ऊपर है वो कम से कम बढ़ा के उसको 8 लाख या 9 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करना चाहिए, ताकि उससे जो आम नागरिक है उनको सहूलियत मिल सके। तो आप एक युवा और एक व्यापारी के तौर पर क्या चाहेंगे कि इस बार केंद्रीय बजट में क्या खास होना चाहिए? मैं इस सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि एक युवा व्यापारी होने के नाते मैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है और जो टैक्सेस लग रहे हैं उस टैक्सेस को कम किया जाए, और ये जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए कि हम लोगों का भी मतलब बिजनेस थोड़ा रूटीन पे आए और हम लोगों को भी इसका फायदा मिले। हम व्यापारी व आम नागरिक के तौर पर चाहेंगे कि इस बजट में डीजल व पेट्रोल को GST के अंदर लाया जाए, जिससे महंगाई कम होगी, आम जन को भी फायदा होगा, हम लोग को पेट्रोल पंप चलाने में भी सहूलियत होगी, लागत कम होगा। और किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए GST जो ट्रैक्टर पे 12% लगता है उसको भी कम किया जाए, जिससे किसान आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकें, सस्ता हो जाए। पहली चीज यह है कि हम लोगों का जो व्यापार है पूरी तरह बहुत ज्यादा ग्राफ गिरता जा रहा है, उसका कारण यह है कि ऑनलाइन जो है हम लोगों के लिए बड़ा नुकसान कर रहा है, और इसमें गवर्नमेंट से गुजारिश है मोदी जी से और सीतारमण जी से कि ऑनलाइन जो व्यापार के लिए एकदम बंद कर दें, क्योंकि हम लोगों का व्यापार दिन पर दिन गिरता जा रहा है और सेल दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। देखिए, बजट ऐसा होना चाहिए जैसे जनता को फ़ायदा मिले, और जो बड़े व्यापारी हैं उन पर बजट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो छोटे व्यापारी हैं जैसे ठेले लगाने वाले और सब्जी लगाने वाले उन पर बजट का प्रभाव पड़ता है। जो बजट लाया जाता है उस पर जो बड़े व्यापारी हैं वो अपने दाम बढ़ाते हैं, जिससे छोटे जो व्यापारी हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बजट जो है मतलब जनता को देख के बजट पेश करना चाहिए। बजट इस तरह का आना चाहिए जिससे महंगाई पर जो है लगाम लग सके, महंगाई कम हो सके। वर्तमान में की को दशा देखते हुए क्या उम्मीद लगाएं आप सरकार से, वर्तमान की दशा देखते हुए? सरकार से तो यही उम्मीद है कि बजट जो है लोगों के हित में आएगा, जिससे लोगों का भला हो, महंगाई से निजात मिल सके। वर्तमान में किस प्रकार की समस्या से जूझना पड़ रहा है? व्यापारियों को तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे अब इनकम टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए, छूट और बढ़नी चाहिए। सरकार बजट ला रही है तो गरीबों के हित में होना चाहिए, मजदूरों के हित में होना चाहिए, व्यापारों के हित में होना चाहिए, यही सब चीज़ों में होना चाहिए। क्या लगता है बढ़ेगा? अब जिस हिसाब से आ रहा है, अब देखना है, अब देखो अब बजट आ रहा है उस पर जब पता चलेगा कि देखो उसमें क्या होता है, क्या सरकार देती है, तो ऐसे तो गरीबों के हित में होना चाहिए। तय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करना शुरू करेंगी। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की, इसके बाद वो बजट पेश करने के लिए संसद पहुंच चुकी हैं। इस बजट से खासकर मिडिल क्लास, किसान, नौकरी पेशा और महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में भी मोदी सरकार के 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की झलक देखने को मिलेगी। बजट से जुड़ी हर अपडेट के लिए फिलहाल आप देखते रहिए प्राइम।
बजट में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के रोड मैप की झलक दिख सकती है। केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, टैक्स सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, स्थानीय विनिर्माण पर जोर, नौकरी, कौशल सृजन और अधिक श्रम आधारित क्षेत्रों समेत कई बिंदुओं पर जोर देखने को मिल सकता है। बजट में इस बात की संभावना है कि सभी क्षेत्रों में करदाताओं को लाभ पहुंचाने और देश में कारोबार करने में सुगमता में सुधार लाने के लिए आयकर ढांचे में बदलाव किए जाने की भी संभावना है। कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सदन में 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत कर देंगी। जी हां, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। तय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करना शुरू करेंगी। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। इसके बाद वो बजट पेश करने के लिए संसद पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट से खासकर मिडिल क्लास, किसान, नौकरी पेशा और महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में भी मोदी सरकार के 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की झलक देखने को मिलेगी। जी आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के ऐलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं अगर हम बात करें कि क्या कुछ आज के बजट से लोगों को उम्मीद है, तो आपको बता दें, मोदी 3.0 सरकार के बजट से इस बार काफी लोगों को उम्मीदें हैं। सर, ऑल्सो सर, नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डिफेंस सेक्टर के पद पर ले जाने के लिए एक संकल्पित सफर होगा। विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, इस बजट के आधार पर भी उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेजी से हम बढ़ेंगे। यह सबकी हमारी बजट जब पेश हो जाए तो उसके बाद ही अपनी रिएक्शन देंगे। सर, ऑल्सो सर, नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डिफेंस सेक्टर के पथ पर ले जाने के लिए एक संकल्पित सफर होगा। विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, इस बजट के आधार पर भी उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेजी से हम बढ़ेंगे। यह सबकी हमारी से ब्रेक के लिए प्राइम टीवी के साथ आप बने रहे।